क्यूएस स्टार सिटी प्लस, ये इस बाइक में करंट मतलब मिसिंग कर रहा है, मतलब थ्रॉटल देने के बाद में मिसिंग कर रहा है। तो क्या आप लोग का गाड़ी में भी ऐसा होता है? तो गाइस इस वीडियो आपके लिए, अगर मैकेनिक भाई देख रहे हैं तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आए थ्रॉटल लेने के बाद में मिसिंग करे, करंट छोड़ छोड़ के चले, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के पास में आए मैकेनिक भाई, तो क्या करने चाहिए, क्या डायग्नोस करने चाहिए, क्या इसमें खराबी है, ये चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, फुल वॉच करिए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आएगा। अगर मैकेनिक भाई है तो इस वीडियो आपके लिए है, और जो कस्टमर भाई है वो भी आपके लिए है। तो आप मैकेनिक से जा कर के देख सकते हैं कि क्या इसमें काम कर रहा है, और क्यों कौन सा कॉइल ख़राब निकल रहा है इसमें से, क्योंकि ये गाड़ी मिसिंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो एक बार आपको मिसिंग करने का दिखा देते हैं कैसे मिसिंग कर रहा है। तो गाइस फिलहाल तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, देखिए तो स्टार्ट होने का पोजीशन हो रहा है लेकिन स्टार्ट हो नहीं पा रहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको प्लग खोल के देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा कभी कभी डस्ट पार्टिकल बढ़ जाता है, इसके वजह से मिसिंग करने लगता है। तो पहले हम लोग सबसे पहले इसको प्लग खोल के देखेंगे इसका क्या पोजीशन है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ खोल के। तो गाइस इसका कप पहले खोल लेना है, कैप, और इसके बाद एक 17 नंबर पाना से इसको खोल लेना है। खोल, तो गाइस ये देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है। तो पहले इसको प्लग को चेक करेंगे, कैसे चेक करना है ये चीज़ बताएंगे। जैसे चेक करना है आपको इग्निशन को ऑन करके रखना है, और उसके बाद ऐसे कैप में इसको डाल लेना है, ऐसे डाल के इसमें बॉडी पे टच कर देना, कहीं पे टच करके रखना, और थोड़ा सा हम बाहर की तरफ कर देते हैं इसको। तो इस तरह टच कर लेना, और उसके बाद यहाँ जो प्लग दिख रहा है यहाँ पे फ्लासिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। किक मारना है, किक मारो, तो फ्लस बहुत कम आ रहा है इसमें, फ्लस ना। उसके बाद यहाँ पे एक जो इंजन से जो आया है, इंजन से ये तार यहाँ पे पिकअप कॉइल का दिया हुआ और लाइटिंग कॉइल का, तो सबसे पहले इसको चेक करना है पिकअप कॉइल मेरा ठीक ठाक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए, तो ये मल्टीमीटर है, इसको पीप में लगाना है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस चेक करना है तो पीप में लगाना, अदरवाइज यहाँ पे लगा सकते हैं रेजिस्टेंस पे, तो पीप में अच्छी रहता है। तो ये पीप में लगा दिया मैं, और दोनों टर्मिनल को जो है दोनों तार में ऐसे घुसाना है, उसके बाद मीटर में देखना है कितना रीडिंग इसमें आ रहा है। तो गाइस हमारा रीडिंग इसमें आ रहा है 135 के अप्रोक्स, इतने आ रहा है 37 के अप्रोक्स। तो ये मेरा पिकअप कॉइल फ्रेंड्स ठीक है, इसका मतलब पिकअप कॉइल मेरा ठीक है। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम पिकअप कॉइल में होता है और एसटी कॉइल में। तो हमारे पास एक एसटी कॉइल है, उसको मैं लगा करके देखते हैं इसका मिसिंग गया कि नहीं, क्योंकि एसटी कॉइल को आप चेक नहीं कर सकते ऐसे कोई गई बाइक से, एसटी कॉइल लगा करके आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा इसका एसटी कॉइल, क्योंकि मैं दो तीन गाड़ी पे चेंज किया हूँ इसलिए आप लोग को भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इसका एसटी कॉइल में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो एक मेरे पास में एसटी कॉइल है, ये जो देख पा रहे हैं एसटी कॉइल, इसको मैं इसमें लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसका मिसिंग गया है कि नहीं, क्योंकि थ्रॉटल जैसे लेने के बाद में मिसिंग करने लगता है। तो इसके लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, और पिकअप कॉइल इसका CDI उतना नहीं जाता है। तो इसको फ़िलहाल मैं आज चेंज करके देख रहा हूँ। ये कॉइल फ्रेंड्स में लगा दिया, अब इसको जेक को जैसा था उसको उसी तरह लगाना है। इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, इसमें जो ऑरेंज कलर है इसमें 12 वोल्ट करंट आता है, इसमें फ्लासिंग आता है। तो आप
तो गाइस ये लगा दिए कॉइल, अब जस्ट देखते गाड़ी को स्टार्ट करके क्योंकि मिसिंग का प्रॉब्लम इसमें गया कि नहीं। तो चलिए एक आदमी स्टार्ट करिए तो गाड़ी को। तो गाइस मिसिंग इसका ख़त्म हो गया। तो इसी तरह अगर इस बाइक में प्रॉब्लम आए तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको शॉर्ट आउट करना और फिक्स करना और ठीक इसी तरह, क्योंकि इसी का ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है एसटी कॉइल का, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 गाड़ी पे कर चुका हूँ